HTIS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में गरीबी रेखा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारत यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक दशक में 270 मिलियन आबादी को गरीबी रेखा से निकालने के लिए भारत की सराहना की। हर दिन प्रति मिनट 12 भारतीय नागरिक अति गरीबी से ऊपर उठते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि गरीबी क्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार वित्तीय संसाधनों के अभाव में बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर को हासिल करने में असमर्थ होता है। बुनियादी जरूरतों के लिए न्यूनतम उपभोग व्यय को गरीबी रेखा कहा जाता है। इसकी आधिकारिक परिभाषा की बात करें तो गरीबी रेखा बास्केट के लिए होने वाला न्यूनतम व्यय गरीबी रेखा है। गरीबी रेखा बास्केट या PLB उन वस्तुओं और सेवाओं का बास्केट है जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। PLB में भोजन, कपड़े, मकान किराया, वाहन और मनोरंजन आदि शामिल हैं। वे लोग निर्धन कहलाते हैं जिनका प्रति माह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या हेड काउंट रेशियो विधि द्वारा मापी जाती है। कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुपात गरीबी अनुपात या हेड काउंट रेशियो कहलाता है। तो चलिए अब गरीबी का आकलन देखते हैं। भारत में गरीबी के आकलन के लिए अभी तक 6 आधिकारिक समितियां बनी हैं। ये इस प्रकार हैं: कार्यकारी समूह 1962, VN दांडेकर और N रथ समिति 1971, वाई के अलग समिति 1979, DT लकड़वाला समिति 1993, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 और सी रंगराजन समिति 2014। सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। वर्तमान में गरीबी को तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा की परिभाषा के आधार पर मापा जाता है। इस समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए, जो कि प्रति माह 816 रुपए है, और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए, जो कि प्रति माह 1000 रुपए है, इसे गरीबी रेखा माना है। तेंदुलकर समिति के मुताबिक भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आइए अब इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि अन्य संकेतकों के आधार पर परिभाषित करता है। MPI में 10 संकेतकों को 3 आयामों में बांटा गया है। ये इस प्रकार हैं: शिक्षा, जिसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति शामिल है। अगला है स्वास्थ्य, जिसमें बाल मृत्यु दर और पोषण को शामिल किया गया है। और तीसरा है जीवन स्तर, जिसमें रहने के लिए उचित घर, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन और संपत्ति का स्वामित्व शामिल है। MPI को 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया था। तो चलिए इस टू द पॉइंट से जुड़ा आज का सवाल देखते हैं। गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरीबी रेखा बास्केट के लिए होने वाला अधिकतम व्यय गरीबी रेखा है। वर्तमान में गरीबी को तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा की परिभाषा के आधार पर मापा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,